Assalamu alaikum dear students and viewers, how do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone, and I hope you are good and I'm also good everybody. And thanks a lot my dear students and viewers, my family members, you are liking and supporting my YouTube channel. Thanks again. Today I'm gonna teach you future perfect tense. आप जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी मैं बहुत ही आपको सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. एंड माय मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे आप परफेक्ट टेंस पढ़ पढ़ के. तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस भी बहुत इजी है. सारे टेंसेस की तरह आप लोग कहेंगे कि इनको तो बहुत इजी लगता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही बहुत मुश्किल लगते थे ये टेंसेस. फिर ग्रेजुअली ये होता है कि प्रैक्टिस करते रहें बस. ये आप लोगों के ना किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए. मैं वही बात बार बार रिपीट करूँगी कि आप बस ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करते रहें. लाइफ में गिव अप करना, हिम्मत हारना, डोंट गिव अप, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहिए. और ये नहीं सोचना चाहिए कि आई कैन डू नथिंग, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती. कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, हर काम, हर चीज़. आप लोग अगर इंटरेस्ट लें, आप लोगों की इंटरेस्ट चाहिए होती है, बस थोड़ी कोशिशें और इंटरेस्ट होना चाहिए. किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्ट लें ना, तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है. टेंसेस भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सो गो टू द टॉपिक. चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है कि कोई काम जो है टुमारो यानी आने वाला कल, फ्यूचर यानी आपके मुस्तकबिल में कोई काम हो चुका होगा. परफेक्ट टेंस हो चुका होगा यानी आने वाले कल, कल में यानी टुमारो को काम हो चुका होगा. होगा नहीं बल्कि हो चुका होगा, हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है. फॉर्मूला यानी आप सब्जेक्ट लेंगे एंड सब में विल हैव. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे, विल हैव, विल हैव. और ये विल हैव आप सब में, सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ करेंगे, विल हैव. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा सेंटेंस क्या है, आई. आई के साथ आप यूज़ कर लीजिए, आई विल हैव. आप कोई सा भी फॉर्म ऑफ वर्ब ले लें, आई विल हैव, आई विल हैव. Eaten. I will have eaten. यानी सब्जेक्ट ले लिया मैंने, will have यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब will have, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट में आ जाए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, I will have eaten pizza. मैं खा चुका होऊंगा या खा चुकी होंगी. I will have eaten pizza. मैं खा चुकी होंगी pizza. खा चुकी होंगी pizza. मैं pizza खा चुकी होंगी या मैं खा चुकी होंगी pizza. I will have eaten pizza. मैं खा चुकी होंगी pizza. यानी मैं ख़त्म कर चुकी होंगी.
आई हैव आई वी यू दे ही शी एंड इट विल हैव सब में आप इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे विल हैव यू विल हैव दे विल हैव दे विल हैव ही विल हैव शी विल हैव शी विल हैव इट विल हैव इट विल हैव हेल्पिंग वर्ब आपने सारे लिख लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड नाउ अब आप यूज़ करते जाइए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लें वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क हम कर चुके होंगे हम ख़त्म कर चुके होंगे अपना काम वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे यानी फ्यूचर में टुमारो आने वाले कल में हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे यू विल हैव कंप्लीटेड You will have completed your task. You will have completed your task. ये third form of verb. ये भी third form of verb. Complete की completed. You will have. तुम ख़त्म कर चुके होगे या मुकम्मल कर चुके होगे your task अपना काम. यानी जो भी आपको task मिला है वो आप. You will have completed your task. तुम ख़त्म कर चुके होगे अपना टास्क यानी काम कोई भी अपना जो भी टास्क दिया है आपको वो ख़त्म कर चुके होगे नेक्स्ट वर्ड इज़ दे विल हैव इनवाइटेड दे विल हैव इनवाइटेड डियर फ्रेंड्स They will have invited their friends. वो दे यानी बहुत सारे लोग they will have invited invite कर चुके होंगे यानी invite का मतलब दावत दे चुके होंगे their friends अपने दोस्तों को वो दावत में बुला चुके होंगे या invite कर चुके होंगे या दावत दे चुके होंगे they will have invited their friends अपने दोस्तों को यानी बहुत सारे लोग जो हैं they will have invited their friends वो अपने दोस्तों को invite कर चुके होंगे and next में क्या है वो गाड़ी चला चुका होगा ही विल हैव ड्राइवन अ कार वो गाड़ी चला चुका होगा कार जो है वो आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ही विल हैव ड्राइवन अ कार वो गाड़ी चला चुका होगा शी विल हैव टोल्ड यू वो आपको बता चुकी होगी She will have told you, वो आपको बता चुकी होगी it will have killed, it will have killed deer, it will have killed the deer, ये यानी आप lion के लिए ले लें lion के लिए ले लें lion will have killed deer यानी शेर जो है वो मार चुका होगा या ख़त्म कर चुका होगा किसको डियर को देन डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स देखा आप लोगों ने कि मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह एक्सप्लेन करा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम हो चुका होगा यानी आने वाले कल यानी टुमारो कोई काम हो चुका होगा फॉर्मूला क्या है इसका यहाँ सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट आप ले लीजिए सारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दे ही शी इट
आपने सारे सब्जेक्ट ले लिए एंड नेक्स्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, विल हैव आई विल हैव ईटन पिज़्ज़ा, मैं खा चुकी होंगी या खा चुका होंगे पिज़्ज़ा। वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम ख़त्म कर चुके होंगे अपना काम। यू विल हैव कम्प्लीटेड योर टास्क, तुम्हें जो टास्क दिया है वो कम्प्लीट हो चुका होगा। टमोरो यानी यू विल हैव कम्प्लीटेड योर टास्क, तुम ख़त्म कर चुके होगे या मुकम्मल कर चुके होगे अपना टास्क या अपना काम। दे विल हैव इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स, वो दावत दे चुके होंगे अपने दोस्तों को। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, वो गाड़ी चला चुका होगा। शी विल हैव, आप कोई सा भी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लीजिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्या होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं। ही विल हैव, शी विल हैव टोल्ड यू, वो आपको बता चुकी होगी। इट विल हैव किल्ड डियर, वो मार चुका होगा या मार चुकी होगी डियर को। सो डियर स्टूडेंट्स, होप कि देन यू विल लाइक माई वे ऑफ टीचिंग एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपको बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाउ टू मेक फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह बनाए जाते हैं। और बहुत ही ईजी होता है ये, बस थोड़ी सी इंटरेस्ट की बात होती है। विल टेक इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। आप इसको बर्डन की तरह मत लें, इसको अपने ऊपर बोझ ना समझें। बहुत ईजी, मैंने बहुत ईजी करके भी बताया आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है क्या। एनीवेज चले, इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इसमें ही परफेक्ट हो चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर, बाय बाय।